बच्चे एज स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग इन विल जस्ट स्टार्ट अप विद आवर क्लास टुडे. आई होप एवरीबॉडी हैड अ गुड बोर्ड एग्जाम. टर्म एग्जाम सबका अच्छा हुआ होगा. इट वाज बिट कंफ्यूजिंग आई वुड से, नॉट एज एक्सपेक्टेड जैसे बोर्ड एग्जाम को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट आई होप मोस्ट ऑफ यू, मेजोरिटी ऑफ यू माइट हैव डन वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ऑप्शंस वर क्लोज. ऑलराइट, कुछ ऑप्शंस बहुत क्लोज थे तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी. बट आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन योर बोर्ड एग्जाम्स वेल. ओके, चलो. सो बच्चे, व्हाट विल बी डूइंग टुडे इज, एज इट इज द फर्स्ट क्लास टुडे इन टर्म टू. बच्चे, आर यू एबल टू हेयर माय वॉइस क्लियरली? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन. आवाज क्लियर आ रही है आपको? ऑलराइट, चलो ठीक है. सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ टर्म वन. Students will be joining later on also. So, बच्चे ये term one की पहली class है आज. So what I was thinking is I'll be first sharing with you the term two syllabus. जो हमारा term two syllabus है वो मैं आपके साथ share करूँगा आज पहले. So that you get a brief idea how we are going to pick up the syllabus in term two exams. या टर्म टू एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसका सिलेबस हमारा किस तरीके से डिवाइडेड है. बच्चे येस्टरडे ओनली आई वाज रीडिंग ऑन द इंटरनेट. अभी सीबीएसई क्या करेगी, थोड़े दिनों में एक सब्जेक्टिव सैंपल पेपर इश्यू कर देगी. बिकॉज इन मार्च यू आर गोइंग टू हैव टर्म टू इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव पेपर्स. बट लुकिंग एट द सिचुएशन, ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं दोबारा से, कोविड केसेस आर अगेन ऑन द राइज, तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस को दोबारा लगाया जा सकता है. सो व्हाट इज बोर्ड प्लानिंग टू डू, बोर्ड क्या प्लान कर रहा है कि एक ऑनलाइन वो ऑब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करेंगे, पर वो सिचुएशन को असेस करके किया जाएगा. अगर उन्हें लगेगा कि केसेस बढ़ रहे हैं और सब्जेक्टिव पेपर नहीं ले पाएंगे तो एक अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव पेपर भी सैंपल पेपर पर क्या किया जाएगा, सीबीएसई से रिलीज किया जाएगा. सो इट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट इन जनवरी यू विल गेट a subjective sample paper and after some time or simultaneously aapko ek objective sample paper bhi milega. So you have to be mentally prepared ki dono tarike ke paper ho sakte hain. Agar situation theek rahi you will have subjective papers as expected as planned, par agar situation improve nahi hui then you will have objective test jaise aapka term 1 mein hua hai. तो सीबीएसई दोनों पेपर साइमल्टेनियसली भी रिलीज कर सकती है या सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव रिलीज करेगी बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन. तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है दोनों पेपर्स के लिए. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर है? तो दोनों तरीके के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा मेंटली, क्योंकि अब आप क्या देख रहे हो, केसेस आर राइजिंग अगेन. दिल्ली में दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में. सो इट इज नाउ इन प्रोबेबिलिटी ये होगा कि धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया हाउ आर टर्म टू सिलेबस इज डिवाइडेड. सो बच्चे एज वी नो, जैसे हमें पता है कि मेनली हम जनरल साइंस जो पढ़ते हैं उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. पर यहां को चार यूनिट्स दिख रहे होंगे, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. ये जो चार यूनिट्स हैं किस तरीके से बनाया गया है, फोर्थ यूनिट इज मैन एंड एनवायरमेंट. फोर्थ यूनिट इज मैन एंड एनवायरमेंट, तो उसमें से जो आपको चैप्टर करना है दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस, है ना. तो ये वाला पोर्शन जो है उसके अंदर इंक्लूड होगा. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. सो केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, this is chapter number 4 and 5. bacha chapter number 4 is carbon compounds. chapter number 4 kaun sa chapter hai, carbon compounds. and isme se bache bahut sara portion jo hai already delete ho chuka hai. only about I'll say chapter 4 aapko 20% syllabus hi padhna hai. 80% of the syllabus is deleted. chemical reactions, unki properties, chemical compounds ki, wo sab delete ho chuka hai. आपको सिर्फ इनिशियल कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, एलोट्रोपी, उसके बारे में ही पढ़ना है. देन चैप्टर 5 इज कंप्लीट. चैप्टर 5 इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है.
एंड दीज टू चैप्टर्स टूगेदर दे हैव अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स. तो यानी केमिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स आएगी. ऑलराइट, देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग. वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हमारे पास है बच्चे बायो. चैप्टर 8 इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. चैप्टर 8 इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है. बट बच्चे चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें सिर्फ इनिशियल हेरिडिटी का पार्ट ही आपको पढ़ना है. एवोल्यूशन वाला पोर्शन डिलीट हो गया है. हेरिडिटी का सिर्फ इनिशियल पार्ट आपको पढ़ना है, एवोल्यूशन वाला पोर्शन डिलीट हो गया है. ठीक है, सो बायो में भी एक चैप्टर पूरा आएगा, 9th चैप्टर आधा है. एवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंसेस, वो पोर्शन कट हो गया है बायो में. देन यूनिट 4 लिखा हुआ है यहाँ, इफेक्ट्स ऑफ करंट. बच्चे इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 13. 12th इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, उसमें कोई डिलीट नहीं है. बट बच्चे चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें थोड़ा सा पोर्शन कट है. मेजर थ्योरी सारी है पर थोड़ा सा पोर्शन कट है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जनरेटर, वो पोर्शन कट हो चुका है. ओके, जनरेटर की वर्किंग, उसकी मैकेनिज्म, उसका ओके, तो उसका जो पोर्शन है वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है. उसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वो सारा पोर्शन क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है. ऑलराइट, देन चैप्टर नंबर 15 इज मैन एंड एनवायरमेंट. दिस हैज वेटेज ऑफ 5 मार्क्स. इसकी वेटेज कितनी है, 5 मार्क्स की वेटेज है. ओनली अ सिंगल चैप्टर विल बी कमिंग हियर. ओके, सिर्फ एक ही चैप्टर है जो यहां आएगा. ऑलराइट, तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां ध्यान देखें तो मेजॉरिटी जो वेटेज है किसकी है, बायो की है. बायो के मैक्सिमम मार्क्स है 13 मार्क्स, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, एंड मैन एंड एनवायरमेंट में 5 मार्क्स. यानी अगर आप इसको भी बायो में कंसिडर कर लें तो टोटल 18 मार्क्स. ऑलराइट, 18 मार्क्स. केमिस्ट्री इज जस्ट ऑफ 10 मार्क्स एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट फिजिक्स इट इज ऑफ 12 मार्क्स. सो इन टोटल, टोटल ये जो सारी बन रही है थ्योरी की बन रही है 40 मार्क्स की. और बचे 40 मार्क्स टर्म 1 के, 40 प्लस 40 80. तो दिस इज टोटल थ्योरी टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का ही पेपर होगा, आइदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. इंटरनल असेसमेंट फॉर टर्म 1 इज 10 मार्क्स. ये आपको क्लियर होगी बात, 40 प्लस 10 इन टर्म 1, 40 प्लस 10 इन टर्म 2. तो आपका जो टोटल बनेगा मार्क्स कितने बन रहे हैं दोनों टर्म्स को मिला, 100 मार्क्स. तो इंटरनल असेसमेंट फॉर बोथ टर्म्स इज ऑफ 20 मार्क्स. 40 मार्क्स थ्योरी टर्म 1, 40 मार्क्स थ्योरी टर्म 2. सो इन टोटल कितना बन गया आपका, 100 मार्क्स. सो दिस इज हाउ योर सिलेबस इज स्प्लिट अप. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सबको ये बात समझ आ गई, इज इट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है, चलो. सो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं. आराम इज सेइंग कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए. अरहाम आई एग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स हैं जो प्लस वन में हाइड्रोकार्बन्स में जाके पिक होते हैं. पर बच्चे यही जो डिस्कशन है टीचर्स के बीच में भी चल रही थी, एंड आई थिंक सीबीएसई इज अगेन प्लानिंग टू रिड्यूस सिलेबस फॉर 2022 एंड 23 सेशन. अगेन सीबीएसई जो है सिलेबस को रिड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है. तो बच्चे आई थिंक दिस इज कीपिंग इन माइंड कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 9th 10th में बच्चों ने नहीं, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी जैसे प्लस वन प्लस टू में भी कुछ सिलेबस डिलीट हुआ था, तो और रिडक्शन पॉसिबल है. तो वी जस्ट नीड व्हाट सीबीएसई डज. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी विल बी बिगनिंग विद आवर क्लासेस, हम कोशिश करेंगे जो हमारे टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में आने हैं उनको पहले हम करें, एंड इफ टाइम परमिट्स वी कैन देन टॉपिक जो डिलीट भी हुए, दैट इज नॉट अ इश्यू. पर पहले कोशिश ये करेंगे जो हमारे टॉपिक्स ऑलरेडी आने हैं बोर्ड में उनको किया जाए. ओके, तो दैट वुड बी आवर प्रायोरिटी, एंड वी हैव टू वेट व्हाट सीबीएसई डज विद सिलेबस रिडक्शन फॉर द नेक्स्ट सेशन. वो भी क्लियर हो जाएगा, सो वी गेट अ ब्रीफ आइडिया. ओके चलो, सो बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 4 है ये,
चैप्टर नंबर 4 है, ओके okay? इसमें है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. बच्चे जैसे हमने आयनिक बॉन्ड किया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेटल्स एंड मेटल्स, सिमिलरली विल बी डिस्कसिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. बच्चे इसके अंदर मेनली हमें किसके साथ डील करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. अगर आप बच्चे कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हो, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ओके, सो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है, तो उसमें ये वर्सेटाइल नेचर आएगा. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज में बच्चे हम डील करेंगे कि कंपाउंड्स के फॉर्मूलास कैसे हम जज कर सकते हैं और उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ता है. ऑलराइट, तो दैट विल बी डिस्कसिंग अंडर होमोलोगस सीरीज. तो बच्चे अगर मैं ये पोर्शन देखूं, जैसे अरहाम भी बता रहा है कि सिलेबस रिडक्शन तो हो नहीं रही है, पर हमारे 10th के टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है. तो बच्चे दिस वॉज कीपिंग इन माइंड द पैंडेमिक नेचर कि टाइम उतना मिलेगा नहीं टीचर्स को रेगुलर क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, इसलिए सिलेबस जो है डिलीटेड है. पर बच्चे अगर मैं ये सिलेबस देखता हूँ, तो इट इज एग्रीड, इट इज ओनली अबाउट 20% ऑफ द सिलेबस ऑफ द चैप्टर. 80% के करीब जो सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का. ओके, सो दिस इज फॉर बोर्ड एग्जाम्स. देन नेक्स्ट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, हियर विल बी डीलिंग विद हाउ एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, एंड हाउ डिफरेंट सिस्टम्स इवॉल्व. यस बच्चे, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो डिलीटेड. क्योंकि बच्चे फंक्शनल ग्रुप्स है ही नहीं. आप देखिए यहाँ कहीं भी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप्स अगर नहीं है तो हम उसमें आप हम ये बोल रहे हैं कि उसमें आपको नेमिंग भी नहीं आएगी. जैसे अल्कोहल की नेमिंग हम कैसे करते हैं, एल्डिहाइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन्स की कैसे करते हैं, ठीक है ना. बेसिक आपको होमोलोगस सीरीज जब आपको करनी है, तो यू विल बी गिवन अ ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें मीथेन आ गया. Then you'll be talking about bit about alkenes, alkynes, and then how to judge homologous series. IUPAC as a whole is being deleted. Naming नहीं है compounds की. Okay? इसके अंदर बच्चे periodic classification will be talking about need for classification, early attempts at classification of elements. Okay? आपको इसमें क्या देखना है कि कैसे early attempts की Then Dobrynner's triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table, okay? Then modern periodic table, and in modern periodic table, bache, we'll be talking about trends, how valency varies, atomic number varies, metallic property varies. ये सब हम इस chapter में पढ़ेंगे. It is a very important chapter, okay? और ये चैप्टर कंप्लीट है, इसमें कोई पोर्शन डिलीट नहीं है केमिस्ट्री का, ठीक है. दिस इज चैप्टर नंबर 5. देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. आई थिंक बच्चे मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपने बहुत सारे स्कूल्स में टर्म 1 में ही शुरू हो गया होगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें हम क्या सीखेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. We'll be talking about asexual reproduction and sexual reproduction, their differences, उनके बीच में क्या differences हैं, processes, then reproductive health need and methods of family planning. इसमें बच्चे हम contraceptives के बारे में बात करेंगे. Okay? Population control, etc. We'll be talking about STDs also, sexually transmitted diseases के बारे में बात करेंगे, STDs and women and child health. Okay, all these portions are complete topics in organisms. How do organisms reproduce? इसमें कोई portion deleted नहीं है, chapter complete है.
this is a complete chapter, nothing is deleted. All right. उसके बाद बचे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. What is heredity? Mendel's contribution, laws, then sex determination, brief introduction. इसमें बचे evolution वाला portion deleted है. Evolution and its evidence. This portion is deleted. Okay? So I'll say about 40% of the chapter is remaining. इसमें भी 40% chapter ही हमें करना है. 40-45% बाकी जो chapter है portion वो delete हो गया है. This portion is deleted. तो ये chapter भी complete नहीं है. अब बच्चे जो सबसे ज्यादा वेटेज है बायो के इन दो चैप्टर्स की है 13 मार्क्स की. तो बायो की अगेन यू हैव मेजॉरिटी ऑफ वेटेज, यहां ज्यादा वेटेज है, ये चीज हमें याद रखनी है. ओके, देन बच्चे नेचुरल फिनोमेना, इसके अंदर बच्चे इफेक्ट्स ऑफ करंट के यूनिट्स हैं. चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ये बच्चे फिजिक्स के दो मेजर चैप्टर्स हैं इस बार. बच्चे इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीट, इसमें कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, दिस इज कंप्लीट चैप्टर. बट इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जनरेटर, जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये पोर्शन डिलीट हो गया है, दिस पोर्शन इज डिलीटेड, ये दो पोर्शन डिलीटेड है. बाकी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट सारा है, इट इज कंप्लीट. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये पोर्शन डिलीट हो गया है. ऑलराइट, तो फिजिक्स ये दो पोर्शंस हैं. एंड बच्चे लास्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज आर एनवायरमेंट, इसकी वेटेज है बच्चे 5 मार्क्स. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे रिगार्डिंग एनवायरमेंटल, यू कैन से प्रॉब्लम्स दैट वी फेस. We are going to talk about ecosystems, environmental problems, ozone depletion, waste production and their solutions, biodegradable and non-biodegradable substances. इसमें बच्चे हम food chain, trophic levels, okay, बहुत सारे important topics हैं जो पढ़ेंगे. Very good weightage, 5 marks की इसकी weightage है. ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छे questions बनते हैं. So we will expect good questions from this portion also. बच्चे इसको बायो से इसलिए अलग रखा जाता है क्योंकि ये मैन एंड एनवायरनमेंट के थीम के अंडर आ जाता है, पर कई बच्चे इसको बायो का ही पोर्शन समझते हैं. सो यू कैन से रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, टोटल जो आपकी बायो की पोर्शन अगर आप देख रहे हो तो दैट इज अबाउट 18 मार्क्स. तो वेटेज बहुत अच्छी है बायो की, बायो इज ऑफ 18 मार्क्स. फिजिक्स कितने का है? 12 मार्क्स एंड केमिस्ट्री इज ऑफ 10 मार्क्स. ओके, सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आपको किस पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे या किसकी मार्क्स की वेटेज ज्यादा है. सो बच्चे यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, ओके. एंड बच्चे टर्म टू के अगर आप एक्सपेरिमेंट्स देखो, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस ऑल्सो. सिर्फ दो ही एक्सपेरिमेंट्स हैं जो टर्म टू में है. वन इज स्टडी ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को आपको प्रैक्टिकली स्टडी करना है लैब के अंदर, उसका आपको ग्राफ बनाना है, उसका प्रैक्टिकल मैनुअल्स आपको लिस्ट करने हैं. देन इन बायो यू ओनली हैव बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, दैट्स इट. सिर्फ ये दो ही प्रैक्टिकल्स हैं. केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं बच्चे कोई भी नहीं है आपके इस बार के पोर्शन में. कार्बन कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल्स. केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं है. बायो में एक प्रैक्टिकल है जहां आपको अमीबा की बाइनरी फ्यूजन और बडिंग इन ईस्ट और हाइड्रा को स्टडी करना है थ्रू प्रिपेयर्ड स्लाइड्स. ऑलराइट, एंड द फर्स्ट पोर्शन हियर यू हैव टू स्टडी द ओम्स लॉ, दैट इज इट. सिर्फ दो ही प्रैक्टिकल्स हैं केमिस्ट्री में और कोई प्रैक्टिकल नहीं. ठीक है बच्चे, I hope this is clear to everybody. Rest बचे internal assessment का, तो आपको split पता ही होगा. So I'm not going to discuss that. So बचे today, because it was our first class, so I felt it is important to tell you the split of the syllabus. So what I am planning to do is I'll be taking up the first chapter from biology, that is chapter number 8, reproduction in living organisms. इसकी आज हम brief introduction लेंगे बचे, and then
from Monday onwards, you will have your class from 7 p.m. to 8 p.m. Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. to 8 p.m. we'll have our classes beginning up. So today, what we'll be doing is we'll be beginning up with introduction of reproduction in living organisms. ये चैप्टर आज हम बिगिन करने जा रहे हैं. तो आई होप ये आपने अब क्लास में भी आप लोगों ने इसको स्टार्ट कर लिया होगा स्कूल में. ऑलराइट, ओके. सो बिफोर वी बिगिन अप, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? बच्चे, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द रिप्रोडक्शन. अब बच्चे, इफ यू रिमेंबर, हमने टर्म वन में एक चैप्टर किया था लाइफ प्रोसेसेस एक चैप्टर किया था. एंड लाइफ प्रोसेसेस को हमने कैसे डिफाइन किया था? दीज आर एसेंशियल प्रोसेसेस विच हेल्प टू सस्टेन लाइफ, विच विल हेल्प टू सस्टेन लाइफ, विच सस्टेन लाइफ. ओके, लाइफ को सस्टेन करने में ये हेल्प करता है. अब बच्चे, लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, वी स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस. और बच्चे, इफ यू रिमेंबर, उसी चैप्टर में हमने एक डिस्कशन की थी, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. अगर आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हो, दे रिक्वायर न्यूट्रिशन, they show respiration, they will do excretion, they will show transportation of materials. पर बच्चे, एक और जो बहुत essential difference होता है, living organisms can reproduce. Now what do we understand by the term reproduction? इसकी definition अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? What do we understand by the term reproduction? It is process by which reproduction, क्या है? Reproduction is process by which living organisms, produce new offsprings. Of their own kind. बच्चे, यू नीड टू रिमेंबर, रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, और दे प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. बच्चे, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑफ देयर ओन काइंड, व्हाट डज दिस मीन? कि अगर आप कभी, बच्चे, किसी डॉग को देखोगे, डॉग के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, दे विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, parents, not same, similar. मतलब dogs will give birth to puppies, lions will give birth to cubs, okay? तो उनके अंदर similarity होगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि जो dog का offspring होगा वो lion की तरह दिखेगा, lion का offspring horse की तरह दिखेगा, ऐसा नहीं होता. Reproduction में क्या होगा? जो living organisms offsprings produce करेंगे, they will be similar to parents, they will be of their own kind. I hope this point is clear to everybody. अब बच्चे, question ये arise करता है, what is the need of reproduction? जैसे बच्चे, life process में हमने पढ़ा था, nutrition is required for gaining energy, for growth, for repair of body. Excretion क्यों जरूरी है? क्योंकि जो toxic waste होते हैं, उनको remove करना होता है body से. हर एक life process की importance है. तो बच्चे, question अब ये arise करता है, why reproduction is important? This is very important question. ये board exam में बहुत बार पूछा जाता है कि reproduction क्यों important है? Why is it important? अब बच्चे, when you talk about importance of reproduction, what is its importance? क्या कोई बच्चा शेयर कर सकता है क्यों हम कहते हैं reproduction important है? Why is it important? जैसे nutrition important है, life processes important होते हैं हमारे, और transportation important है. हाँ जी, मुकुल बोलिए. सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्पीशीज. ओके, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज. ओके, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज,
बच्चे क्यों हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? अगर बच्चे हम कभी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, ठीक है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है, Now, what do we understand by this term, definite lifespan? बच्चे living organisms immortal नहीं है, कुछ time के बाद क्या होता है, उनकी death हो जाती है, okay? और अगर वो reproduce ना करें तो what is going to happen? धीरे धीरे वो species के सारे individuals मरते जाएंगे और एक time ऐसा आएगा वो extinct हो जाएगी species. और अगर ऐसा होगा तो बच्चे life तो continue कर ही नहीं सकती. So living organisms they have a definite lifespan. So reproduction क्या ensure करता है? Reproduction ensures continuity of species. Reproduction ensures continuity of species. Reproduction ensures continuity. Continuity of species, existence of species. जैसे मुकुल ने कहा था, तो that is a very good point. और यही reason है कि organisms को reproduce करना पड़ता है. पर अगर बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाए, इफ दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. अगर आप बच्चे कभी भी किसी पुरानी स्पीशीज की बात करते हो, जैसे डोडो, किसी एक बच्चे ने एग्जांपल लिखा है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, डोडो एक्सटिंक्ट हो गया. क्यों? क्योंकि बच्चे धीरे धीरे उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते गए, उनकी पॉपुलेशन कम होती गई, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कम होती गई, एंड व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो एक्सटिंक्ट हो गए. ऑलराइट, सो रिप्रोडक्शन एक्चुअली इंश्योर्स कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे. क्योंकि बच्चे क्या होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है. अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता तो स्पीशीज की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो लाइफ खत्म हो जाएगी. तो अगर लाइफ को कंटिन्यू रखना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू रिप्रोड्यूस. ओके, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन राइट व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट. बच्चे इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, रिप्रोडक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है. व्हाट इज दैट? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरिएशंस. रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन भी प्रोड्यूस करता है. Reproduction produces variations. Reproduction produces variations. अब अच्छा, what do we understand by this term? Variations. Variation का क्या मतलब है? Can anybody tell me? कोई भी बच्चा, अगर किसी ने heredity वाला chapter पढ़ लिया है या reproduction का ही पढ़ लिया होगा तो variation आपने पढ़ा होगा. Okay. हाँ जी मोक्षिता, बोलो बेटा. Sir, the changes occur due to the reproduction of the similar organisms that are variations. So that to adapt the surroundings, variations are very important. Okay, all right. So what Mokshita is saying is, what is variation? Due to process of reproduction, variations are produced. और variation की वजह से species क्या कर पाती है? अपने changing environment में adapt कर पाती है. ओके, तो मोक्षिता यू हैव आपने जो आंसर दिया है, आई विल से इट्स अबाउट 70-80% करेक्ट. आपने मुझे ये नहीं बताया कि वेरिएशन होती कैसे है. आपने मुझे ये बोल दिया कि रिप्रोडक्शन से वेरिएशन है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, पर कैसे होती है? बच्चे यू नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. वेरिएशन होती क्या है? वेरिएशन क्या है? इट इज सटल डिफरेंसेस. वेरिएशन इज सटल डिफरेंसेस, subtle differences amongst individuals. What are variations? Variations are subtle differences amongst individuals of same species. Okay, same species ke beech mein jo subtle differences hote hain individuals ke,
बहुत हल्के फुल्के डिफरेंसेस, उनको हम वेरिएशंस कहते हैं। बच्चे आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर हम बच्चे ह्यूमन बीइंग्स को देखें, क्या सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे दिखते हैं? क्या सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे दिखते हैं? नो, ह्यूमन बीइंग्स, अगर आप सारे ह्यूमन बीइंग्स को देखो, सब एक जैसे नहीं दिखते। वी आर सिमिलर पर सेम नहीं है। क्यों? हम सबके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, हमारे स्किन का जो शेड है उसमें डिफरेंस है, हमारे हेयर टेक्सचर में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है, फिजिकल फीचर्स का डिफरेंस है। अब अच्छा, ये डिफरेंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है, ये वेरिएशन प्रोड्यूस कैसे होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस कैसे होता है बच्चे? वेरिएशन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, वेरिएशन कहां कैसे प्रोड्यूस होता है? ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी दिव्यांशु बोलो। यस सर, इट अकर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सनलाइट, और इट मे आल्सो अकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन जीन। ओके बच्चे, आपने जो पहले इनिशियल बोला ना टेम्परेचर वगैरह, दे आर फैक्टर्स जिसकी वजह से वेरिएशन इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। दे विल हेल्प इन वेरिएशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वेरिएशन का जो रियल रीजन है वो क्या होता है कि डीएनए की जब कॉपिंग होती है, डीएनए में जब चेंजेस होते हैं उसकी वजह से वेरिएशन होती है। अब वो वेरिएशन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकती है, टेम्परेचर उसको एक्सेलरेट कर सकता है, या जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, उन रेडिएशन की वजह से भी हमारे डीएनए में क्या होती है, चेंजेस हो जाती है, तो उसकी वजह से वेरिएशन बढ़ सकता है। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, ओके। तो अब बच्चे वेरिएशन प्रोड्यूस कैसे हो रही है? बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे अगर किसी भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को देखो, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल हैज जेनेटिक मटेरियल। अब बच्चे जो मेन हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है कॉमनली वो क्या है? डीएनए। डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चे व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? इट इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऑलराइट, डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग सेल्स। अब अच्छा क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या रोल प्ले करता है? व्हाट रोल डज दिस जेनेटिक मटेरियल प्ले? इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन which is required by living organisms to survive. बच्चे इसके अंदर सारी information है, इसके अंदर सारी information है जो deal करता है कैसे कोई living organism क्या करेगा, survive करेगा, या उसके अंदर जो processes होंगे, इसके अंदर सारी information होती है। अब बच्चे आप इसको जरा समझने की कोशिश करिए, जब कोई living organism reproduce करता है, this genetic material has to be transferred to the offsprings. Let's say, अगर हम binary fission देखते हैं, binary fission में क्या है? You have a single cell amoeba, उसके अंदर nucleus है, nucleus में सारा DNA है। बच्चे, once this has to divide into two new daughter cells, तो हर एक daughter cell के पास अपना nucleus होगा। अब बच्चे, this is by simple splitting. अब अच्छा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल बना रहा है तो बच्चे उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आधा रह जाएगा न्यू सेल के अंदर, राइट? तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए होता है बिफोर द सेल डिवाइड्स और रिप्रोड्यूसेस, दिस डीएनए अंडरगोज कॉपिंग, डीएनए अंडरगोज प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन, डीएनए अंडरगोज रेप्लीकेशन, डीएनए के अंदर रेप्लीकेशन होती है। अब अच्छा रेप्लीकेशन का क्या मतलब है? इट इज कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए। जैसे बच्चे कई बार आप करते होगे, आपके फ्रेंड्स ने कोई नोट्स लिखे हैं, आप स्कूल नहीं जा पाए, आप क्लास मिस हो गई, तो टीचर ने कोई नोट्स लिखवाए और आपके फ्रेंड ने नोट्स लिखे हैं पर आपके पास नोट्स नहीं है, तो बच्चे आप क्या करते हो? अपने फ्रेंड से नोटबुक बोरो करते हो और उसकी हम क्या करवा लेते हैं? फोटोकॉपी करवाते हैं ना, जेरोक्स कॉपी करवा लेते हैं, फोटोकॉपी करवा लेते हैं, क्योंकि बच्चे मेजोरिटी ऑफ द टाइम इतना आपके पास टाइम नहीं हो पाता कि आप उसको बैठ के लिखो। कई बच्चे लिख भी लेते हैं,
पर अगर बहुत ज्यादा नोट्स हो जाते तो हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी करवा लेते हैं। तो बच्चे फोटोकॉपी में क्या होता है, जो आपके आपके फ्रेंड के नोट्स हैं उनको आपने सिमिलर क्या कर लिया, फोटोकॉपी करा लिया। पर बच्चे अगर आप बैठ के खुद लिखो, लेट से यू हैव अ नोटबुक विद 10,000 पेजेस, उसमें आपके फ्रेंड ने अपनी राइटिंग में नोट्स लिखे हैं और मैं आपको बोलूं कि बच्चे इसके नोट्स को कॉपी करो, तो व्हाट डू यू थिंक, आपसे गलती होगी कि नहीं होगी, आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल एरर फ्री लिख लोगे आंसर कि आपसे गलतियां होंगी, व्हाट डू यू थिंक? आपने अपने फ्रेंड के नोट्स को कॉपी करना है हैंड रिटन, तो गलतियां होंगी, ओके गलती होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गलती ना हो, किसी और की राइटिंग को कॉपी करना बहुत मुश्किल काम होता है, मिस्टेक्स होंगी। अब बच्चे इसी चीज को डीएनए कॉपीइंग के साथ समझिए, बच्चे जब डीएनए को कॉपी करना होता है, उसकी एक और कॉपी बनानी है सेल ने, तो उसमें एरर्स होंगे और उन्हीं एरर्स की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। नाउ दिस इज व्हाट इज इंटरेस्टिंग, व्हेन डीएनए इज बीइंग कॉपीइंग, जब डीएनए की कॉपी हो रही है, ओके व्हेन डीएनए इज कॉपीड, when DNA is copied, okay, errors occur, और बच्चे इन errors की वजह से ही क्या होता है, variations are produced, this leads to variations, और बच्चे आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि जब DNA copy होता है हमारे cell के अंदर, ये errors की percentage पता कितनी होती है, 0.01%। डीएनए इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसकी पूरी कॉपीइंग करने में जो एरर का चांस होता है वो 0.01% है, अदरवाइज इट इज 99.9% एरर फ्री। इसकी जो एफिशिएंसी है इस प्रोसेस की इतनी ज्यादा है, सिर्फ एरर का चांस कितना है, लेट से 0.01%, और बच्चे ये चांस जो है बहुत कम है, फिर भी बच्चे इन एरर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, वेरिएशन। जो अपने आसपास आप वेरिएशन देखते हो उसका जो मेजर रीजन है ये है, एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। और बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिएशन अकुमुलेट होती जाती है आपको ज्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे, ओके। सो दिस इज वन थिंग दैट लीड्स टू वेरिएशंस। अब बच्चे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशन का एडवांटेज क्या है, जैसे मोक्षिता ने बताया था, वेरिएशन किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स दी ऑर्गेनिजम्स टू अडैप्ट, हेल्प्स दी ऑर्गेनिजम्स टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट। अच्छा, जैसे जैसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट चेंज होता है, ओके, तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें वेरिएशंस हेल्प करती हैं। अगर बच्चे वेरिएशंस नहीं होंगी तो ऑर्गेनिज्म चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से भी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाता है। बच्चे आपने ये थ्योरी तो सुनी होगी ना, डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, दे वर नॉट एबल टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक्चुअली इसके पीछे दो तीन थ्योरी दी गई है, कि एक पहला था कि एक मिट्योर आके टकराया, या आइस एज आ गई, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो गया तो दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। पर अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि जब टेम्परेचर चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो डायनासोर्स उस चीज को अडैप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर वो फेवरेबल वेरिएशंस नहीं थी, and this is the reason they become extinct. पर अगर हम human race को देखें तो we have survived. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो variation थी कि हम changing temperature के साथ अपनी body के temperature को change कर सकते हैं, adapt कर सकते हैं। तो बच्चे variations will help the organism to adapt. और variation कैसे produce होंगी? जब cell reproduce करता है, कोई living organism reproduce करता है, तो सबसे पहले अपने genetic material को copy करता है, क्योंकि offsprings को भी पूरा genetic material देना है, and this process will lead to formation of new variations. ठीक है बच्चे, is it clear? ये दो point सबको clear है। अगर आपसे पूछा जाता है what is importance of reproduction, ये बहुत important board में question है जो पूछा जाता है, तो आपको ये दो point explain करने हैं। ठीक है, चलो, all right.
ओके चलो लेट्स मूव ऑन. एक और इसमें हम टॉपिक ऐड करेंगे. अगर बच्चे आपसे ये पूछा जाता है वेरिएशन ज्यादा किस में प्रोड्यूस होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस में वेरिएशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल? हाँ जी सर, इन सेक्सुअल सर दे आर रिप्रोड्यूस्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर द वेरिएशन अकर बिकॉज़ हियर टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड इन बोथ द टू पेरेंट्स द डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल्स आर डिफरेंट बाय व्हिच मेनी वेरिएशंस अकर्स. ओके ऑलराइट मोक्षिता, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मुकुल, आलोक, आपके आंसर भी सही है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस आर वेरी लेस, वेरिएशंस आर वेरी लेस, बहुत कम वेरिएशन है. क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिपेरेंटल? यहां एक सिंगल इंडिविजुअल है सिर्फ, यहां सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व है. ऑल राइट, तो इसलिए क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है. ओके एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, वेरिएशन बहुत कम होती है. और बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन्स. क्लोन्स आर आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन्स. उनको हम क्या कहते हैं? क्लोन्स. ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं एटलीस्ट, है ना, दो इंडिविजुअल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट है. ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल. ओके टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. और बच्चे क्योंकि दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं तो इसके अंदर क्या होगी? मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड. एंड दिस इज द रीजन बच्चे, अगर आप कभी भी उन ऑर्गेनिजम्स को देखो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें हम भी आते हैं ह्यूमंस, हमारे अंदर ज्यादा वेरिएशंस हैं कंपेयर्ड टू ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिप्रोड्यूसिंग बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक अमीबा. अगर आप अमीबा को देखो, ईस्ट को देखो, उनके अंदर वेरिएशन बहुत कम है क्योंकि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ऑलराइट ओके. अगर बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस फास्ट है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, तो आपका आंसर क्या होगा? किसमें जल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, एसेक्सुअल की सेक्सुअल, तो आप क्या आंसर दोगे? हाँ जी मोक्षिता. सर अकॉर्डिंग टू मी इट मस्ट बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके ऑल राइट ओके मुकुल. हाँ जी बोलो बेटा मुकुल. Yes, sir. According to me, it should be asexual. Okay, asexual reproduction is faster. All right, बच्चे आप दोनों के आंसर सही हैं. आपको ये चीज समझनी है. हाँ जी बोलो बेटा. सर एक डाउट था कि जैसे ह्यूमंस में 0.01% एरर आता है तो उससे ये इतना वेरिएशन है कि हमारे थोड़े फेस स्ट्रक्चर डिफरेंस डिफरेंट हो जाते हैं. लेकिन बर्ड्स और एनिमल्स में देखते हैं कि उसमें तो बिल्कुल एकदम सिमिलर लगते हैं. जैसे बर्ड्स में बिल्कुल ही सारे बर्ड्स सेम है तो उसमें मतलब 0.01% से भी कम एरर होता है. बच्चे देखो आपको एक चीज ये समझनी है कि जब मैं कह रहा हूँ कि नियरली 0.01% के करीब एरर है तो हम ह्यूमंस के अंदर इसको कैसे देख रहे हैं कि हमारी फेशियल वेरिएशन आपको दिख रही है, हाइट की वेरिएशन दिख रही है. पर जब आप बर्ड्स को देख रहे हो तो आपको, जैसे पिजन को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि इनके बीच में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. राइट, आप यही बोल रहे हो? यस सर. पर बच्चे अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो उनके फेदर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, आई के कलर का वेरिएशन हो सकता है उनका, उनके क्लॉज का वेरिएशन हो सकता है. बच्चे वेरिएशन तो होगी होगी, ठीक है. हमें ये चीज याद रखनी है ना कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं पर सेम नहीं है. जैसे बच्चे अगर हम डॉग्स को देखें, डॉग्स के अगर आप पपीज को देखो, क्या सारे सेम होते हैं? नो सर. थोड़ा बहुत कलर का फर्क हो सकता है, हाइट का फर्क हो सकता है, आईज का फर्क हो सकता है, किसी के में कोई डिजीज हो सकती है. तो बच्चे वेरिएशंस तो होंगी. ओके ये जरूर है कि कुछ में कम होंगी कुछ में ज्यादा होंगी. क्लियर? ऑलराइट ओके.
ओके तो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्टर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है और इसमें जो पॉपुलेशन है वो जल्दी बढ़ेगी. और बच्चे इसके पीछे रीजन क्या है, इज फास्टर व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, बिकॉज गैमिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, गैमिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं है. ओके, गैमिट फॉर्मेशन नहीं है, गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं है. व्हाट आर गैमिट्स, गैमिट्स आर सेल्स विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे बच्चे आपने क्लास 8 में स्पर्म्स पढ़े होंगे एंड ओवा, एग सेल्स, दे आर गैमिट्स. अब बच्चे यू नीड टू रिमेंबर, अगर गैमिट की प्रोडक्शन होनी है तो उससे पहले जो इंडिविजुअल है उसको ग्रो करना पड़ेगा, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर होंगे, उसके बाद गैमिट्स की प्रोडक्शन होगी, फिर गैमिट्स फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा, उसके बाद वो इंडिविजुअल बनता है आगे. सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक टाइम. पर बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन तो है ही नहीं, सेल जैसे ही मेच्योर होगा उसमें डीएनए कॉपी होगा और सेल डिवाइड कर जाएगा. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फास्टर. ओके, सो वी से the population growth in asexual reproduction is faster compared to sexual reproduction. और asexual reproduction में variation भी कम है क्योंकि उसमें एक single parent या single parent cell ही involved है. Alright? तो ये कुछ important points हैं जो हमें याद रखना है when you talk about sexual and asexual reproduction and compare it to variations. ठीक है बच्चे? Is it clear everybody? Alright. चलो, सो आई विल जस्ट गो बैक टू योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी की बुक में ब्लू बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन आज हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट डीएनए कॉपिंग, सेल्स विल गिव राइज टू न्यू सेल्स. तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, न्यू सेल्स बन रहे हैं, उनके पास भी उतना ही डीएनए होना चाहिए जितना पेरेंट सेल में है. तो वो कैसे इंश्योर होता है, जब डीएनए की कॉपीइंग होती है. अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो डीएनए डिवाइड होता जाएगा और कंटेंट डीएनए का कम होता जाएगा न्यू सेल्स में और फिर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन. सेकेंड क्वेश्चन, वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीशीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल. बच्चे वेरिएशन एज अ होल स्पीशीज के लिए यूजफुल होती है, इंडिविजुअल के लिए यूजफुल नहीं होती. इसको हम कैसे आंसर करेंगे? बच्चे हमें एक चीज ये समझनी है, जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स और कम्युनिटीज. तो वहां इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ. अगर हम ये कहते हैं बच्चे कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास यूजफुल वेरिएशन है पर दूसरे इंडिविजुअल्स के पास, किसी के पास वो यूजफुल वेरिएशन नहीं है, तो होगा क्या बच्चे? सिर्फ वो ही इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा और सारे बाकी जो इंडिविजुअल्स है खत्म हो जाएंगे. तो बच्चे दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन, दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन. जो इंडिविजुअल है उसके साथ अगर वो वेरिएशन स्पीशीज के कुछ और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में होगी तभी जाके वो बेनिफिशियल वेरिएशन होगी. सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास वो वेरिएशन है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगर इंडिविजुअलों के पास वो वेरिएशन नहीं है और वो कंडीशन आती है कि जहां वो वेरिएशन चाहिए तो बाकी सारे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और बच्चे ग्रुप्स में जो स्पीशीज रहती हैं उनको चाहिए कि उनका जो पॉपुलेशन का नंबर है वो एक कॉन्स्टेंट लेवल पे बना रहे, अदरवाइज जो स्पीशीज है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी एंड इट विल बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, सो वेरिएशन वी से इज यूजफुल फॉर अ ग्रुप नॉट एज एन इंडिविजुअल. ओके, इज दैट क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? क्योंकि बच्चे इंटरेक्शन होना है एक दूसरे के साथ. अगर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के पास वेरिएशन है, बाकी स्पीशीज में जितनी पॉपुलेशन है उसमें वो यूजफुल वेरिएशन नहीं है तो क्या होगा, एक इंडिविजुअल अगर सर्वाइव करता है और बाकी मर जाते हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है. तो उस तरीके से हमें समझना. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. चलो, सो बच्चे आज हम क्या करेंगे, विल बी वाइंडिंग अप द सेशन हियर. नेक्स्ट क्लास फ्रॉम मंडे, विल हैव अवर क्लास ऑन मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, दैट इज फ्रॉम 7 PM टू 8 PM. दिस विल बी आवर टाइम. सो नेक्स्ट
Next class, Monday, we will be beginning up with modes of reproduction used by single organisms. That is, we'll be talking about asexual reproduction. Different modes. इसमें हम binary fission, amoeba, yeast में budding, hydra में budding, ठीक है ना? तो ये जो portions हैं, इनको हम क्या करेंगे? We'll be picking that up. और जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है उनको फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड. ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है तो दैट विल बी पुट अप ऑन दी चैनल, यूट्यूब चैनल पे ये सेशन चला जाएगा. तो जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है या जिनको दोबारा ये लेक्चर देखना है, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दी यूट्यूब चैनल एंड वॉच दी वीडियो. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे, आई विल बी वाइंडिंग अप दी सेशन हियर. I'll be winding up the session here. All right. See you all on Monday. And happy New Year to everybody in advance. Happy New Year to everybody. Enjoy yourself. Okay. Lakshin, the fee details I will all be available from Sanjeev sir's group. Okay. I hope you have Sanjeev sir's number. Please do contact them. Okay, I hope to see many of you joining back the classes. All right. Okay, Happy New Year to everybody. Enjoy yourselves, and we all will meet on Monday.